जय हिंद दोस्तों। 30 सितंबर 2022 इस दिन हमारे देश में इंडियन आर्मी के नया CDS को चयन किया गया, जनरल अनिल चौहान। जनरल बिपिन रावत के बाद CDS का पद को यही संभालेंगे। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जनरल अनिल चौहान को कौन से सर्विस मेडल और गैलेंट्री मेडल्स मिल चुके हैं। सबसे पहले उन्हें मौना का मेडल मिला हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर मिशन है एंगोला में हुआ था। इस मिशन में वो थे, इसीलिए उन्हें मौना का मेडल दिया गया है। उसके बाद इंडियन आर्मी में 9 साल तक सर्विस देने के लिए 9 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, 20 साल तक सर्विस देने के लिए 20 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल और 30 साल तक सर्विस देने के लिए 30 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल उनको मिला हुआ है। उसके बाद 5th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, विदेश सेवा मेडल, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विस मेडल, सैन्य सेवा मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, सामान्य सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल में उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके चेस्ट पर मेडल्स के रिबन में 4 रोज है, हर एक रो में 4 रिबन्स होते हैं। वो 4 रिबन्स 4 मेडल्स को दर्शाता है। इस हिसाब से CDS जनरल अनिल चौहान सर को 16 मेडल अपने सर्विस काल के दौरान मिले हुए हैं। अनिल चौहान के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं उनके बारे में कुछ ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो आपने YouTube में कभी भी नहीं सुना है। अपने सर्विस काल के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए आज उन्हें CDS पद पर सम्मानित किया गया है। CDS होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का ही एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।